ऑफ मिनरल्स इन इंडिया एंड इट्स यूजेस। सो इंडिया के अंदर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे कितने पाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आयरन ओर के बारे में। सो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब टॉप में आता है वर्ल्ड में, आयरन ओर पाए जाते हैं एशिया के। और उसमें भी जो टू मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर हैं वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और आयरन ओर की जो माइंस है वो कोल फील्ड से नज़ीक में पाई जाती है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पे ऐसा है, विच इज़ एन एडवांटेज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आयरन ओर की माइंस कोल फील्ड्स के नज़ीक में पाई जाए सो वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। और ये मिनरल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी में पाया जाता है। और आयरन ओर जो है वो स्टील बनाने के काम में आता है, शिप्स बनाने के काम में आता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत काम में आता है। और भी काफ़ी सारे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं गोवा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। अब बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। ये बॉक्साइट वो ओर है जिसके अंदर एल्यूमिनियम का मेटल होता है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज़ बॉक्साइट। सो द ओर ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम इज़ कॉल्ड बॉक्साइट। अब एल्यूमिनियम कहाँ पे काम में आता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम में आता है, एयरक्राफ्ट में काम में आता है, फिर वो इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, फर्नीचर, फिटिंग्स, किचनवेयर, इन सब में बॉक्साइट काम में आता है। एक्चुअली में एल्यूमिनियम उसमें से जो होता है वो काम में आता है। और उड़ीसा जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बाकी सारे जो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब बात करते हैं माइका के बारे में। सो इंडिया माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है दुनिया का। माइका किस काम में आता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम में आता है। इट कैन बी रिप्ड इनटू वेरी थिन फ्लेक्सिबल बट टफ शीट्स, मतलब ये बहुत ही पतले और टफ शीट्स में इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं शीट्स। और माइका के डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए गए हैं? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। फिर बात करते हैं कॉपर की। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। और ये एक इंडिस्पेंसिबल मेटल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। इंडिस्पेंसिबल होना मतलब क्या कि इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। क्यों ऐसा है? एज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, व्हाई कॉपर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, व्हाई कॉपर इज इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो उसका आंसर पूरा जो अंडरलाइन किया है, एज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स, वो उसका आंसर आएगा। और पुराने ज़माने में इसी कॉपर को लेके कॉइन्स बनाते थे और इसको मिक्स करते थे कई बार गोल्ड के साथ में, ताकि ज्वेलरी के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, ताकि जो ज्वेलरी बने गोल्ड की हेल्प से, जो ज्वेलरी बने उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ हो, काफ़ी मजबूत हो। इसके बाद इसी के बारे में है, ये ज़्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका में पाया गया है। अब बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के लिए, ये स्मेल्टिंग जो है वो आपको साइंस में भी आया होगा कि आयरन ओर को स्मेल्टिंग जब की जाती है तो उसमें से आयरन अलग हो जाता है और हमें आयरन मिल जाता है। और ये फेरो एलॉयज बनाने के काम में आता है। फेरो एलॉयज मतलब वो एलॉयज जिनके अंदर आयरन होता है। और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम में आता है क्योंकि ये स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे गोल्ड को स्टील, गोल्ड को मजबूती कौन प्रोवाइड करता है? कॉपर। वैसे स्टील को मजबूती प्रोवाइड कौन करता है? आयरन। और इंडिया का जो मैंगनीज डिपॉजिट्स है वो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और तेलंगाना में है। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। अब लाइमस्टोन क्यों ज़रूरी होता है? लाइमस्टोन जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ में होता है। अब इंडिया के अंदर वो स्टेट जो लाइमस्टोन जहाँ पे मिलता है वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी और आगे छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। अब गोल्ड की बात करें तो आप जानते हैं गोल्ड से ज्वेलरी बनती है और जो प्रेशियस जेम्स हैं, डायमंड्स है, पर्ल्स है, ये सब अलग अलग स्टाइल्स में किए जाते हैं। इनको गोल्ड, इनके अंदर गोल्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनके साथ में कंबाइन करते हैं गोल्ड के, गोल्ड को भी कंबाइन करते हैं ज्वेलरी बनाने में। जहाँ जहाँ में भी डायमंड है, पर्ल्स है, इनके साथ में गोल्ड भी
साथ में इनको लगाते हैं। अब इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया गया है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर दो जगह है, कोलार और हुट्टी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स पाए गए हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं। और ये माइंस वर्ल्ड की डीपेस्ट माइंस हैं। डीपेस्ट माइंस होना मतलब बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है गोल्ड को निकालने में, और इसीलिए इतना जब नीचे खुदाई करनी पड़ती है तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी खर्चीला है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें, एक्सपेंसिव है। बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट आप जानते हो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हमारे हर खाने में ज़्यादातर बहुत सारे डिशेस में सॉल्ट यूज़ होता है, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट जैसे कि NaCl, जिसको हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये हर घर में यूज़ होता है फूड को टेस्टी बनाने में। और ये कहाँ से मिलता है, सी में से मिलता है, लेक्स में से, रॉक्स में से। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है और एक्सपोर्टर्स भी है गोल्ड का, सॉरी सॉल्ट का, ठीक है। और गुजरात और टूटीकोरिन, यहाँ पे सॉल्ट काफ़ी पाया जाता है क्योंकि यहाँ का पानी खारा होता है, तो यहाँ के समुद्र में ये सॉल्ट काफ़ी बन जाता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ में आता है। और इसको ये कहाँ से मिलता है, क्वार्ट्स में से मिलता है ये, ठीक है। और क्वार्ट्स पाया जाता है हिमाचल प्रदेश के ऊना जगह से, और MP में और UP में। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का मतलब क्या, कि हमें अगर हमारे लिए मिनरल्स इतने ज़रूरी हैं सो मिनरल्स को बचाना भी हमारी ड्यूटी है। मिनरल्स को हम लोग ध्यान से यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। सो मिनरल्स बहुत टाइम लगाते हैं अर्थ की क्रस्ट में बनने में, बहुत ये मिनरल्स का बनने में बहुत टाइम लगता है। और इस अगर एक बार ख़त्म हो गया तो ये तुरंत के तुरंत फिर से तो बन नहीं सकते, इसको बनने में फिर लाखों साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें इनको कंजर्व करना है और मिसयूज़ नहीं करना। सो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व, क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द मिनरल्स, तो उसका आंसर जो मैंने टिक किया है यहाँ पे वो होगा, मिनरल्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम से लेकर नॉट मिसयूज्ड तक। और ये भी जरूरी है कि जब माइनिंग हो रही हो तो मिनरल्स का जितना हो सके उतना कम वेस्टेज हो, और मेटल्स की रिसाइकलिंग करना ये भी एक अलग तरीका है जिससे हम मिनरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। देखो, अगर हमने मेटल को रिसाइकल किया तो हमें नया मेटल बनाने के लिए फिर से हमें माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, मिनरल रिसोर्स फिर से यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, जो हमारे पास मेटल है उसी को फिर से रिसाइकल कर दिया, सो मिनरल रिसोर्स बच सकेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, सो पावर रिसोर्सेज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।